कहते हैं हमारा सबसे बड़ा शत्रु इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना एक बेपरवाह विचार। एक बेपरवाह विचार इतना खतरनाक होता है कि अगर वो घर कर जाए तो हमारा पूरा भविष्य रुक सकता है, हमारे पूरे भविष्य पे उसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। हम अपने विचार कहीं भी कभी भी बना लेते हैं, कहाँ से ये विचार हम में आ जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। तो इसलिए हर वक्त ज़रूरी है कि हम जागरूक रहें, अपने विचारों के बारे में जानते रहें। इन विचारों का ध्यान रखना तब और भी ज़रूरी हो जाता है जब हम किसी नकारात्मक क्षेत्र में हों। जब हर तरफ नकारात्मकता हो तो हर पल विचारों के बारे में सतर्क होना ज़रूरी होता है। इसमें सबसे ज़्यादा मदद मिलती है जब हम ध्यान करते हैं, क्योंकि ध्यान एक ऐसा आईना है जो आपको आपके विचारों से रूबरू करवाता है, आपके अंदर छुपे हुए उन ख्यालों से रूबरू करवाता है जो शायद आप चेतन मन में कभी जान ही नहीं सके। तो चलिए ध्यान में बैठते हैं और अपने आप को एक जागरूक जिंदगी की तरफ बढ़ाते हैं। एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, कमर सीधी रखें, आंखें बंद कर लें, चेहरे पर एक मन सी मुस्कान ले आएं और अब एक लंबी गहरी सांस भरें और इसे रोक लें। और अब धीरे से इस सांस को मुंह से छोड़ते हुए शरीर को ढीला छोड़ दें और फिर से एक लंबी गहरी सांस भरें और इसे रोक लें। और सांस को धीरे से मुंह से छोड़ते हुए कंधों को ढीला छोड़ दें, पैरों को घुटनों को ढीला छोड़ दें। एक और लंबी गहरी सांस भरें और इसे फिर से रोक लें। पूरे शरीर में फैलने दें और अब मुंह से सांस छोड़ते हुए शरीर को बिल्कुल ढीला होने दें, बिल्कुल आरामदायक स्थिति में जाने दें। शांति का आपके लिए क्या मतलब है? शांति से आप क्या समझते हैं? उस स्थिति को अपने अंदर सक्रिय होने दें। स्थिरता किसे कहते हैं? उस स्थिरता को अपने रोम रोम में महसूस करें। देखिए मांसपेशियों में नई स्थिरता आ गई है, पूरी धरती घूम रही है, हवा चल रही है, पर आप पूरी तरह स्थिर हैं। सांस को अब आसानी से अंदर और बाहर जाने दीजिए। अपने माथे को पूरी तरह से ढीला छोड़ दीजिए। देखिए कि सांस कितनी गहरी है और शरीर में कहाँ तक जा रही है। तो अब अपना ध्यान सिर्फ इस पल में ले आइए। कल जो भी हुआ उसको कल में ही रहने दीजिए, कल जो होगा उसकी चिंता मत कीजिए। हमेशा अपने विचारों को काबू में रखने का सबसे अच्छा तरीका है वर्तमान में ही रहना, और उसके लिए हर दिन हुए किसी भी कार्यवाही को उसी दिन तक छोड़ दीजिए। हमें अगले दिन अतीत का भार नहीं ढोना है और आज से इस पल से अपने अतीत को वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ने का निश्चय कीजिए। सांस भरते हुए देखिए कि सांस आपको उस पूरे बोझ से मुक्त करवा रही है, और सांस छोड़ते हुए देखिए कि आप अपने इस वर्तमान काल में पूरी तरह से आ चुके हैं। देखिए कि आपके शरीर का आभा मंडल पूरी तरह से सुरक्षित है और किसी भी तरह की तरंग आपके शरीर से निकलकर कहीं पर जा रही है। तो अब धीरे धीरे उस तरंग को वापस खींचिए जिससे कि इस आभा मंडल में किसी भी तरह का कोई तोड़ ना हो।
सांस लीजिए। अपना ध्यान अपने अतीत में बसे किसी भी वाक्यों से खींचते हुए अपने वर्तमान में लेकर आते जाइए, लेकर आते जाइए, लेकर आते जाइए। और अब आपका आभा मंडल पूरी तरह से संपूर्ण हो चुका है, संतुलित हो चुका है, चमक रहा है। इस वर्तमान में अब हम कोई विचार नहीं सोचेंगे। किसी विचार को ना सोचने के लिए हम ध्यान सिर्फ और सिर्फ सांस पर लेकर जाएंगे। अपनी नाक के छोर पर ध्यान दीजिए। सांस को देखने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से सांस नाक से अंदर जा रही है और आपके भावों के बीच से मस्तिष्क तक जा रही है, और किस तरह से सांस नाक से बाहर जाती है। बार बार ध्यान सिर्फ सांस पर लाने से आप विचारों से मुक्त होने लगेंगे। और अब हम इसी को और बढ़ाते हुए हर सांस के बीच में थोड़ा अंतराल लाएंगे। सांस लेते हुए अब सांस रोक लें और अब सांस छोड़ें और फिर से रोक लें। हर सांस को हम चार भागों में बांट रहे हैं और चार गिनती तक हम सांस लेंगे, सांस रोकेंगे, सांस छोड़ेंगे और फिर सांस नहीं लेंगे और फिर से इस क्रिया को शुरू करेंगे। इस क्रिया को दिन में कई बार करने से आप अपना ध्यान वर्तमान में केंद्रित कर सकते हैं। फिर से करते हैं, चार गिनती तक सांस भरें, 1, 2, 3, सांस रोकें, 1, 2, 3, सांस छोड़े मुंह से, 1, 2, 3, 4, और कोई सांस ना लेते हुए अब दोबारा सांस लेना शुरू करें, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, सांस छोड़ें, 2, 3, रोक लें सांस, 2, 3, 4, सांस लें। दिन में हम जितनी बार इस क्रिया को करेंगे हम अपने ध्यान को काबू में कर पाएंगे। विचारों से मुक्त होने का ये बहुत अच्छा तरीका है। इसे आप रात को सोते समय भी कर सकते हैं, जिससे कि आपका ध्यान कहीं और ना भटके और आप गहरी नींद में सो सकें। इस क्रिया को अब आप जीवन में रोज शामिल करें और ज़रूर देखें कि किस तरह से ये आपको सदा के लिए अतीत से मुक्त करवा के एक खूबसूरत भविष्य की तरफ चलाने लगेगा। अपना ध्यान अब धीरे धीरे वापस लेकर आइए। एक मन सी मुस्कान चेहरे पर लाते हुए दोनों हथेलियां आपस में रगड़िए और आंखों पर रखते हुए आंखें खोलिए। स्वागत है आपका।